आप कहते हैं ना कौशल उन्नयन योजना के तहत आप सट्टा खिला रहे, तो आप तो जीएसटी ले रहे सर, उसमें सट्टे में जुए में आप 28% जीएसटी लगा रहे हैं, उसको कब बंद करोगे? और दूसरी बात, जितना भी आप मोबाइल में आप देखो वो सब आ रहे हैं, उसको कब रोक लगाओगे? और सबसे बड़ी बात यह है, महादेव एक जब हमने सर्कुलर जारी कर दिया, ईडी जांच करने आ गई, तो आज तक के वो बंद क्यों नहीं हुआ? महादेव बंद कौन करेगा? राज्य सरकार तो नहीं करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो गृहमंत्री बताए कि बंद क्यों नहीं हो रहा है, और बंद नहीं कर रहे उसका कारण क्या है ये बताए गृहमंत्री। ये बीजेपी आप लोगों को हिंदू विरोधी बता रही है, पूर्व मंत्री मोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी कांग्रेस। अच्छा, वो आगे स्टालिन का जो बयान आया है सनातन धर्म को लेकर कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह जिसे खत्म करना चाहिए, उसको बयान है मुझे पता नहीं क्या। राहुल जी ने अच्छा सजेशन दिया है सर, बिल्कुल हम लोग अब देखिए बहुत जल्दी यहाँ पे जो होलसेल मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट होलसेल मार्केट रायपुर में 1000 एकड़, बहुत जल्दी इसका शिलान्यास करेंगे, बहुत जल्दी पूरी तैयारी हमारी है। अमित शाह चले हैं लेकिन उठा पटक अभी तक जारी है बीजेपी में, कल अचानक सरायपाली से वापस कार्यालय पहुंचे जबकि कुछ देर पहले दिल्ली जाना था, क्या समझा जाए? कार्यालय पहुंचे मंसूर जी गुजरात पहुंच गए, वापस आए और यहाँ अब इनके जवान भी बिगड़ते जा रहे हैं, रमन सिंह आरोप पत्र घोषणा पत्र कर रहे हैं, है ना, अब इनको विश्वास है ही नहीं खुद पे, तो इस कारण से अब उनके कार्यकर्ता विश्वास नहीं कर रहे, जनता तो विश्वास करती ही नहीं है, वही तो कहना, उतने कार्यकर्ता नहीं जुटे। गृहमंत्री एक रात भर एक दिन पहले आ गए हैं, तब वो जुट नहीं पाए कार्यकर्ता, वही तो मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ताओं को ही विश्वास नहीं भारतीय जनता पार्टी को, तो हमको जवाब देने की जरूरत नहीं, ठीक है, थैंक यू। तो कल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र जारी किया और स्थिति ये थी, बाहर में ईडी लगाया गया था, कुर्सियां लगाई गई थी, वो भी भरा नहीं, जो हाल था वो खाली था। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं पे भी आरोप पत्र पर विश्वास नहीं है तो जवाब देने का औचित्य नहीं है। मैं सोच रहा था उसके जवाब दूंगा, कल भी पत्रकार था बोला था मैं पढ़ लूंगा फिर जवाब दूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि उनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है, तो जब उनको विश्वास नहीं है तो उस आरोप पत्र का जवाब देने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो बताइए। मतलब गुंडागर्दी करेंगे, है ना, बुलडोजर चलाएंगे, गुंडागर्दी कर देंगे, उल्टा लटका देंगे। अरे केंद्र से ईडी आईटी तो आपका भैया, उल्टा उल्टा लटकाओ सीधा लटकाओ, क्या कर क्या रहे हैं यहाँ? मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि यहाँ ईडी वाले, ईडी के अधिकारी कर्मचारी रात रात भर सोने नहीं देते, टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं कि आप इस पेपर में हस्ताक्षर करो उन्हें जेल जाओ, वो तो कर ही रहे हैं, वही उसी बात को बोल रहे हैं, और जेल भेजने से और ज्यादा क्या कर लेंगे, निश्चित रहे सबको डरा डरा भेज रहे हैं। अब वो केस है ही नहीं तो पहले आईटी जांच करती है, फिर उसी की ईडी जांच करती है, अब कोर्ट में लगा दी वो सीबीआई जांच करे। मैं बोल रहा हूँ कि इंटरपोल को दो, अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उसको दे दो आप। और दूसरी बात यह है कि जो ये जो सट्टा वाले हैं महादेव ऐप, यहां हमने कार्रवाई की, देश में और कहीं कार्रवाई नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई और सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, पैसा भी जब्त किया, गैजेट भी जब्त किए, उसमें मोबाइल और टेबलेट भी लैपटॉप भी जब्त किए। आप क्या कर रहे हैं? हमने तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया, आप पकड़ के लाओ और महादेव ऐप बंद करो।
आप कहते हो ना कौशल उन्नयन योजना के तहत आप सट्टा खिला रहे, तो आप तो जीएसटी ले रहे हो सर, उसमें सट्टे में जुए में आप 28% जीएसटी लगा रहे हो, उसको कब बंद करोगे? और दूसरी बात, जितना भी आप मोबाइल में आप देखो वो सब आ रहे हैं, उसको कब रोक लगाओगे? और सबसे बड़ी बात यह है, महादेव एक जब हमने सर्कुलर जारी कर दिया, ईडी जांच करने आ गई, तो आज तक के वो बंद क्यों नहीं हुआ? महादेव बंद कौन करेगा? राज्य सरकार तो नहीं करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो गृहमंत्री बताए कि बंद क्यों नहीं हो रहा है, और बंद नहीं कर रहे तो उसका कारण क्या है ये बताए गृहमंत्री। ये बीजेपी आप लोगों को हिंदू विरोधी बता रही है, पूर्व मंत्री मोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी कांग्रेस। अच्छा, अब वो आगे स्टालिन का जो बयान आया है सनातन धर्म को लेकर कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है जिसे खत्म करना चाहिए, उसको बयान है मुझे पता नहीं चला। राहुल जी ने अच्छा सजेशन दिया है सर, बिल्कुल हम लोग अब देखिए बहुत जल्दी यहाँ पे जो होलसेल मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट होलसेल मार्केट रायपुर में 1,000 एकड़, बहुत जल्दी से शिलान्यास करेंगे, बहुत जल्दी से पूरी तैयारी हमारी है। अमित शाह चले हैं लेकिन उठा पटक अभी तक जारी है बीजेपी में, कल अचानक सरायपाली से वापस कार्यालय पहुंचे, जब तुम कुछ देर को दिल्ली जाना था। हाँ, समझा जाए, कार्यालय पहुंचे मनसुख जी गुजरात पहुंच गए, वापस आए और यहाँ अब इनके जवान भी बिगड़ते जा रहे हैं, रमन सिंह आरोप पत्र घोषणा पत्र कर रहे हैं, है ना, और इनको विश्वास है ही नहीं खुद पे, तो इस कारण से अब उनके कार्यकर्ता विश्वास नहीं कर रहे, जनता तो विश्वास करती ही नहीं है, वही तो कहना, उतने कार्यकर्ता नहीं जुटे, गृह मंत्री एक रात भर एक दिन पहले आ गए हैं, तब वो जुट नहीं पाए कार्यकर्ता, वही तो मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ताओं को ही विश्वास नहीं भारतीय जनता पार्टी, तो हमको जवाब देने की जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।